दोस्तों, कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। हाँ सर, आज थाना रही किस टाइप की कार्रवाई हुई है? देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त है। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके दो पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, दो कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, तीन पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए, और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया, तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1,000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है, और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। इन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था, तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी दो दिन पहले बैरिया में माझी रोड माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है, तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं, बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं वो शिकायतें रुक जाती है CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलेगी। और सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई? कितने लोगों पर कार्रवाई? इसमें देखिए, दो पुलिस कर्मी तो अरेस्ट हुए और करीब 9 पुलिस कर्मियों पर, 8-9 पुलिस कर्मियों पर FIR हुए और पूरी चौकी के लोग, 8-9 लोग सस्पेंड हुए। सर, अंतरप्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद के गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे, इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। थैंक यू।